प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। काबुल ब्लास्ट का बदला लेते हुए अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना ने बड़ी कार्रवाई की है। खबरों के अनुसार काबुल ब्लास्ट के जवाब में अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट आतंकी के खिलाफ एयर स्ट्राइक किया है। खबरों की माने तो मानव रहित विमान से नांगरहार में अमेरिकी सेना ने हवाई हमले किए हैं। वहीं काबुल ब्लास्ट में अब तक एक दर्जन अमेरिकी सैनिकों समेत 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इधर एयर स्ट्राइक में दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी सेना ने काबुल ब्लास्ट के साजिशकर्ता को मार गिराया है। वहीं अमेरिका ने आशंका व्यक्त की है कि काबुल एयरपोर्ट पर फिर से आतंकी हमला हो सकता है। इसे लेकर एयर स्ट्राइक के बाद अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट से लोगों को हट जाने के लिए कहा है। आपको बता दें कि पेंटागन की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि तय टारगेट को ध्वस्त किया गया है। ISIS के ठिकाने पर ड्रोन से अटैक किया गया है। वहीं अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद पहली बार गुरुवार को काबुल एयरपोर्ट पर हुए विस्फोट ने लोगों को झकझोर दिया है। कुछ लोगों ने इसे कयामत के दिन बताया तो कईयों ने विस्फोट के बाद जो कोहराम देखा उसे बयान किया। अमेरिका के स्पेशल इमिग्रेशन वीजा धारक एक इंटरनेशनल डेवलपमेंट ग्रुप के पूर्व कर्मचारी ने बताया कि वो भी उन हजारों लोगों में शामिल था जो हवाई अड्डे में प्रवेश करने और किसी उड़ान में सवार होने का इंतजार कर रहे थे। वो हवाई अड्डे के अब्बे गेट पर करीब 10 घंटे से कतार में थे। गुरुवार शाम को करीब 5 बजे एक शक्तिशाली धमाका हुआ। उन्होंने बताया कि ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे पैरों के नीचे से जमीन खींच ली। कुछ क्षणों के लिए मुझे लगा कि मेरे कान के पर्दे फट गए हैं और मेरी सुनने की शक्ति चली गई है। मैंने देखा लोगों के शरीर और शरीर के अंग प्लास्टिक की थैलियों की तरह हवा में उड़ रहे थे। उन्होंने कहा कि इस जीवन में कयामत का दिन देखना संभव नहीं है, लेकिन आज मैंने कयामत का दिन देखा। ये मैंने अपनी आंखों से देखा। हवाई अड्डे के बाहर इंतजार कर रहे अफगान नागरिक आदम खान ने बताया कि धमाका हवाई अड्डे में प्रवेश के लिए इंतजार कर रहे लोगों के बीच हुआ। बता दें कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद वहां से निकलने की कोशिश में काबुल हवाई अड्डे के बाहर जमा हुए लोगों के बीच गुरुवार को बम धमाके में 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य के घायल होने की खबर है। वहीं काबुल ब्लास्ट के बाद अमेरिका ने कहा था कि हम इस हमले के जिम्मेदार लोगों को माफ नहीं करेंगे। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि अमेरिका इसका बदला लेगा, इसकी कीमत चुकानी होगी। हालांकि अभी भी अमेरिका के पास काबुल हवाई अड्डे पर हुए हमलों में तालिबान और इस्लामिक स्टेट के बीच मिली भगत का कोई सबूत नहीं है। इस अपडेट में इतना ही। इसी तरह की दूसरी जानकारी के लिए बने रहिए प्रभात खबर के साथ। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।